गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं मोहसिन अतार फिर से एक बार आपका KKPS यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फिर से एक बार मैं आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से एक नए विषय को लेकर जुड़ा हूं। पिछले कुछ वीडियो से हमने हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी लेना शुरू किया है। आपके जो हिंदी व्याकरण की वर्तिका बुक है, उस वर्तिका बुक में से हमने पिछले कुछ वीडियो में विशेषण पढ़ा, विराम चिन्ह के बारे में हमने जाना, उसके साथ साथ फिर हमने पिछले दो वीडियो में हमने कारक एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में भी हमने जानकारी ली। फिर हमने लिंग के बारे में हमने जानकारी ली। ये सब महत्वपूर्ण विषय हमने पिछले वीडियो में आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से उसके बारे में हमने सीखा जाना। तो फिर से एक बार आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, वो है वचन। वचन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में नंबर कहा जाता है। जिस तरह से लिंग महत्वपूर्ण भाषा में था, उस तरह से वचन भी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। इस वीडियो में हम वचन की परिभाषा जानेंगे, भेद उसके बारे में जानेंगे और उदाहरण भी हम जानेंगे। तो ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं वचन की परिभाषा एंड डेफिनेशन। वचन की परिभाषा यूँ है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की, लड़का, कुत्ता, घोड़ा, आप, ये सभी शब्द एक का बोध कराते हैं। आगे देखिए, लड़के, लड़कियां, कुत्ते, घोड़े, आप लोग, ये सभी शब्द अनेक का बोध कराते हैं। तो इसलिए डेफिनेशन में कहा गया है, संख्या का बोध कराने वाले, जहां पे एक का अनेक का बोध कराने वाले, उसे ही वचन कहते हैं, उन शब्दों को ही वचन कहा जाता है। ये सिंपल सी परिभाषा, इसको आप अलग रूप से भी बता सकते हैं, जो शब्द संख्या का ज्ञान कराए उसे वचन कहते हैं। ऐसे सिंपल भाषा में भी आप वचन की परिभाषा बता सकते हैं। तो ये एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं, ये उसकी परिभाषा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वचन के प्रकार। वचन के दो प्रकार होते हैं, जिस तरह से आपने पिछले साल भी सीखा था, वचन के दो प्रकार, एक एकवचन और दूसरा बहुवचन। तो वचन के दो प्रकार हम आज पढ़ेंगे, एक एकवचन और दूसरा बहुवचन। देखिए, एकवचन की परिभाषा यूँ है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। बोलिए मेरे पीछे, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। बिल्कुल सही। उदाहरण देखिए, नदी बह रही है, इसमें नदी ये शब्द एक का बोध, एक संख्या का बोध करा रही है, इसलिए एक वचन। लड़का मैदान में खेल रहा है, यहाँ पर भी एक का बोध हो रहा है, यहाँ पर भी एक संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये शब्द, ये जो उदाहरण है, एक वचन के हैं। दूसरा प्रकार देखिए, बहुवचन। बहुवचन में उसके विपरीत है, नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ बह रही हैं, यहाँ पे नदियाँ एक से अनेक का बोध हो रहा है, इसलिए। दूसरा देखिए, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ पे भी लड़का नहीं कहा, लड़के एक से अधिक है, इसलिए लड़के मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए, क्रिया में बदल हुआ है, वहाँ पे
नदियाँ बह रही था, यहाँ पे खेल रहा था, रहे हैं, यहाँ पे क्रिया भी बदल चुकी है इसकी। अंत में देखिए ये उसका फ़र्क है दोनों में। तो एकवचन और बहुवचन बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे एक का बोध होता है एकवचन, जहाँ पे अनेक का बोध होता है बहुवचन। आइए कुछ हम वचन का अभ्यास करेंगे। आप बुक खोलिए, देखिए वचन बदलो, कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इन शब्दों को आप अपने नोटबुक में लिख कर लो और उसके वचन बदलो, ठीक है। तो पहला शब्द है रुपया, ये एक वचन शब्द है, उसका बहुवचन आपको लिखना है। क्या हो सकता है रुपया का? यस, रुपये, बिल्कुल सही। दूसरा धातु, धातु क्या होगा? यस, धातुएं। उसी तरह से तीसरा लिखिए धेनु, धेनु का धेनुएं, बिल्कुल सही। उसके बाद घोड़ा, देखिए घोड़ा का घोड़े, बिल्कुल सही। याद, यादें। ऋतु, ऋतुएं। बहु, बहुएं। बात, बातें। त के ऊपर बिंदु लगता है, डॉट आता है इसलिए। आगे देखिए बाली, बालियां। बच्चा, बच्चे। ये उसका परिवर्तन होता है वचन का, ये इसमें फर्क है। तो आप अपनी बुक में ये सब लिख कर लीजिए और लिख कर लेकर बदलिए इस तरह से। और कुछ उदाहरण देखिए, जो शब्द हर पंक्ति में, जो शब्द हर पंक्ति में समूह से अलग है, समूह से अलग है, उसे उसके नीचे रेखा खींचिए, यानी ऑड ऑन, ऑड एंड आउट करना है आपको। यहाँ पे देखिए जो शब्द अलग है, बिंदी, बालियाँ, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, तो इसमें बिंदी ये शब्द तीनों से अलग है क्योंकि वो एक वचन है, बाकी सब अनेक वचन है, बहुवचन है। मोती, धागा, सुई, कलियाँ, तो मोती, धागा, सुई ये शब्द एक वचन है, कलियाँ बहुवचन है, बिल्कुल सही कहा आपने। उसी तरह तीसरे में क्या हो सकता है? स्कूल, बच्चे, अध्यापक, पुस्तक, बताइए अब आंसर। हाँ, बच्चे अलग है क्योंकि वो बहुवचन का है, बाकी सब एक वचन है। आगे देखिए कुर्सियाँ, टेबल, अलमारी, शीशा, क्या होगा इसमें? क्यों कुर्सियाँ? क्यों? क्योंकि कुर्सियाँ ये बहुवचन है, टेबल, अलमारी, शीशा एक वचन, बिल्कुल सही। लास्ट में देखिए लड़का, गुड़ियाँ, लड़कियाँ, खिलौना, लड़कियाँ, बिल्कुल सही क्योंकि वो बहुवचन है, बाकी सब एक वचन है। तो इस तरह से आप अपने घर पे भी अभ्यास कीजिए। आगे कुछ हम वाक्यों के माध्यम से भी इसका अभ्यास करेंगे, लिंग अभ्यास करेंगे, ये जो हमने किया इसके अलावा वाक्यों का भी अभ्यास हम करेंगे। तो आइए निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन, वचन अभ्यास हम इन वाक्यों के माध्यम से करेंगे। आप अपने नोटबुक में इन वाक्यों को लिख कर लो और जहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है आपको उसका वचन बदलना है। तो अपनी बुक खोल के बैठिए, एकवचन और बहुवचन, एकवचन वाक्य दिया होगा तो उसका बहुवचन आपको लिखना है, बहुवचन दिया है तो एकवचन आपको लिखना है। तो ये एक्टिविटी, ये गतिविधि हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए पहला वाक्य मैं पढ़ रहा हूँ, आपको उसका उत्तर बोलना है और लिखना भी है, ठीक है। पहला है बच्चा कहानी सुन रहा है, ये है एक वचन वाक्य। बहुवचन इसका क्या होगा बताइए आप, क्या हो सकता है? बच्चा, यह एक वचन शब्द है तो उसका बहुवचन होगा। यस, बिल्कुल सही कहा, बच्चे कहानी सुन रहा है, नहीं वहाँ पर क्रिया इसकी बदल जाएगी, तो इस तरह से होगा वाक्य सही, बच्चे कहानी सुन रहे हैं, बच्चे कहानी सुन रहे हैं, क्रिया बदल जाएगी उसका, बच्चा का बच्चे होगा और सुन रहा है की जगह सुन रहे हैं, ह के ऊपर
डॉट आएगा, बिंदु आएगा जहाँ पे बहुवचन लिखा जाता है। तो लिखा सही से बच्चे कहानी सुन रहे हैं, ये उसका सही वचन परिवर्तन है। दूसरे वाक्य में अब एक वचन आपको लिखना है, बहुवचन दिया गया है। बहुवचन यूँ है, साधु उपदेश देते हैं, ये बहुवचन है। तो एक वचन आपको लिखना है, लिखिए बहुवचन क्या है, साधु उपदेश देते हैं। एक वचन आप लिखिए, क्या होगा उसका उत्तर बताइए आप। हाँ क्या होगा, साधु उपदेश देता है। यस, साधु उपदेश देता है। साधु जैसे का वैसा रहेगा, उपदेश भी सही वही रहेगा, सिर्फ आगे जो क्रिया है उसमें बदल होगा। देते की जगह देता और हैं की जगह है, ऊपर बिंदु नहीं आएगा यहाँ पर, ह के ऊपर जो आया है। तो सही उसका उत्तर है एक वचन, साधु उपदेश देता है। यस लिखा, चलो आगे बढ़े तीसरे वाक्य की ओर। तीसरा है, औरत गाना गा रही है, ये एक वचन वाक्य है। तो उसका बहुवचन आपको लिखना है, बताना है। चलो लिखिए, औरत गाना गा रही है, एक वचन वाक्य लिखा। हाँ चलो उसका उत्तर लिखिए, अभी उत्तर बताओ आप। हाँ बिल्कुल सही, क्या होगा उत्तर, औरतें गाना गा रही हैं। यहाँ पे भी क्रिया ह के ऊपर बिंदु आएगा और औरत की जगह औरतें, औरतें शब्द संज्ञा है, यहाँ पे अब औरत की जगह औरतें होगा, क्रिया में ज़्यादा बदल नहीं होगा, सिर्फ ह के ऊपर डॉट बिंदु आएगा। तो सही उत्तर क्या है उसका, औरतें गाना गा रही हैं, लिखा आपने। चलो आगे हम बढ़ेंगे चौथे की ओर। अब चौथे में एक वचन आपको लिखना है, बहुवचन दिया गया है। बहुवचन क्या है, गायें दूध देती हैं, गायें बहुवचन शब्द है, दूध देती हैं। तो एक वचन क्या होगा फिर, सिंपल है इसका, गायें की जगह क्या आएगा, गायें शब्द हमें अनेक का बोध करा रही है, तो एक का बोध कराने के लिए सिर्फ गाय, बिल्कुल सही, गाय दूध देती है। सेंटेंस सब सेम रहेगा, सिर्फ संज्ञा शब्द जो गायें हैं वो उसकी जगह पे गाय आएगा, बाकी सब सही वही होगा। तो सही उत्तर है, गाय दूध देती है। चलो आगे पांचवा लिखिए, उसने कपड़ा खरीदा। देखिए उसने शब्द सर्वनाम शब्द है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये सभी शब्द उसका बदल हो सकता है। तो औरत ये संज्ञा था, अब उसने ये शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। यस, तो उसने कपड़ा खरीदा, यहाँ पर क्या होगा फिर बहुवचन उसका, लिखा आपने एक वचन वाक्य, तो बहुवचन बताइए अब उसका आंसर। उसने कपड़ा खरीदा क्या होगा, उसने का उसने वही होगा बहुवचन में, कपड़ा की जगह क्या होगा, कपड़े, बिल्कुल सही कहा आपने, उसने कपड़े खरीदे, क्रिया भी बदल जाएगी। हाँ क्रिया में चेंज होगा, बदल होगा, खरीदा की जगह खरीदे, उसने कपड़े खरीदे, ये उसका सही उत्तर है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्रिया बदली और कपड़ा की जगह कपड़े हुआ। अगले उदाहरण की ओर बढ़ेंगे हम। अगला उदाहरण है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो इसका बहुवचन वाक्य में परिवर्तन कीजिए आप, ये आसान होगा आपके लिए क्योंकि आपने इस्तेमाल में आता है हर समय। तो घोड़ा दौड़ रहा है, इसका क्या होगा बताइए, आप बताइए, आपका उत्तर सुन के मैं फिर बताऊंगा। हाँ सही फरमाया, बिल्कुल सही कहा आपने, घोड़े दौड़ रहे हैं। फिर से घोड़ा का घोड़े, घोड़ा ये संज्ञा शब्द है, उसमें बदल हुआ और रहा की जगह रहे
हैं। ह के ऊपर फिर से, बिल्कुल सही, डॉट बिंदु आएगा। तो घोड़े दौड़ रहे हैं, क्रिया भी चेंज हुआ और संज्ञा शब्द में भी चेंज हुआ, घोड़ा का घोड़े राह के रहे हैं। लिखा आपने, लिखिए जल्दी से। लिखने के बाद हम आगे की उदाहरण की ओर बढ़ेंगे। अगला उदाहरण है नंबर 7। 7वां उदाहरण हम देखेंगे, लड़की चूड़ी पहन रही है। लड़की एक वचन है, चूड़ी भी एक वचन है, पहन रही है। अब इसका बहुवचन यहाँ पर दिया गया है मैंने आपको समझाने के लिए। लड़की का क्या होगा? लड़कियाँ। चूड़ी का क्या होगा? चूड़ियाँ। और पहन रही क्रिया सेम रहेगी, तो बहुवचन वाक्य है लड़कियाँ चूड़ियाँ पहन रही हैं। यहाँ पर चूड़ियाँ की जगह चूड़ी भी हो सकता है। देखिए, लड़की चूड़ी पहन रही है या लड़की चूड़ियाँ पहन रही है, ऐसा भी हो सकता था। तो लड़की चूड़ी पहन रही है का लड़कियाँ चूड़ियाँ पहन रही हैं, ये उसका वचन परिवर्तन एक वचन का बहुवचन में इस तरह से किया गया है। अगले में देखिए, 8वें में आपको बहुवचन दिया गया है, एक वचन में परिवर्तन करना है। लिखिए, चलो आप लिखिए। बहुवचन वाक्य क्या है? आसमान में तारे चमके। बहुवचन वाक्य है आसमान में तारे चमके। लिखा आपने बहुवचन वाक्य, तो आंसर लिखिए आप खुद से एक वचन में। हाँ बताइए, उत्तर बताइए लिखने के बाद, क्या होगा एक वचन आपका? सुनकर मैं फिर बताऊंगा। हाँ, ये बहुवचन है आसमान में तारे चमके, एक वचन बताइए आप। हाँ सही कहा आपने, किसने कहा? बिल्कुल सही कहा, जिसने भी कहा बिल्कुल सही कहा, आसमान में तारा चमका एक वचन होगा। आसमान में कहा, आसमान में तारा, तारे की जगह तारा, चमके की जगह चमका, क्रिया भी बदली और तारे की जगह तारा हुआ है, बिल्कुल सही। चलो आखिरी 9वां उदाहरण देखिए, मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ, इसका बहुवचन आपको लिखना है। क्या होगा बहुवचन? मैं की जगह मैं शब्द सर्वनाम शब्द है, मैं का बहुवचन क्या होगा? हाँ, किसने कहा? हम, सही बात है, मैं का हम। तो बहुवचन क्या होगा? हम विद्यालय। क्रिया क्या होगी? जाता हूँ की जगह जाते हैं, बिल्कुल सही, हम विद्यालय जाते हैं, बिल्कुल सही। चलो आखिरी उदाहरण देखिए, 10वां उदाहरण है, ये किताबें किसकी हैं? ये शब्द बहुवचन सर्वनाम शब्द है, तो उसका एक वचन सर्वनाम शब्द क्या होगा? यह किताबें किसकी हैं? एक का सर्वनाम शब्द एक वचन, यह किताबें किसकी हैं? ये इस तरह से एक वचन का बहुवचन में वचन परिवर्तन हमने इस एक्टिविटी के माध्यम से किया है। इसी तरह से आप अपने वर्तिका बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं उसे पूरा कीजिए, और अगले वीडियो में हम वचन के बारे में ही पढ़ेंगे, पर वचन परिवर्तन करने के कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। ठीक है, धन्यवाद।